मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव के नॉमिनेशन हो रहे हैं और अभी जो हमारे साथ एक उम्मीदवार हैं जो मुझे लगता है मुजफ्फरपुर में पहचान के मोहताज नहीं हैं, संजय केजरीवाल। संजय केजरीवाल जो कि वार्ड नंबर 20 के वार्ड पार्षद रहे हैं, निवर्तमान वार्ड पार्षद है और फिर से एक बार संजय जी ने वार्ड 20 के लिए नॉमिनेशन किया है। पहले बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद आपको भी और आपके लाखों दर्शकों को। तो इस बार क्या प्लानिंग है, कुछ नई नीतिबद्ध तरीके से आ रहे हैं, क्या करेंगे वार्ड के लिए? मुझको चुनाव लड़ने नहीं आता, नीति निर्धारण क्या चीज़ होती है मैं नहीं जानता हूँ। संजय केजरीवाल चुनाव लड़े तब तो कोई नीति बनाए, जहाँ 6750 मतदाता मालिक चुनाव लड़ रहे हों वहाँ पे क्या नीति बनाना, क्या निर्धारण करना। पूरे वार्ड 20 के 1107 घरों में मैं चाहूँगा आपको सम्मानित रूप से मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप सर्वे कर लें। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई एकाध दो घर भी ऐसा है जहाँ संजय केजरीवाल के नाम के आगे मुंह भी बिचकाया जाता हो। नीति उनको बनानी होती है जब जनता आशीर्वाद दे के जिताती है और वो घर पे सोए रहते हैं। जो घर घर का बेटा हो, जो घर घर के सारे कार्यों में अपनी सहभागिता निभाता हो, उसको नीति बनाने की क्या ज़रूरत है। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं मुकेश जी, कि कुछ तकनीकी आरक्षण के कारण जैसे मैं चुनाव बड़ा नहीं लड़ पाया उप महापौर का, आप विश्वास नहीं करोगे कि जब मैं अघोरिया बाज़ार, यूनिवर्सिटी के पीछे, ब्रह्मपुरा, अखाड़ा घाट, चनवारा, सातपुरा, मिठनपुरा, गौशाला के किसी गलियों में जाता था तो सिर्फ एक मेरे पास पहचान थी, मेरे पास एक पूंजी थी, वार्ड 20 के 6750 मतदाता मालिक का आशीर्वाद। तो एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड मैंने बनवा रखा था, तो मैं कहता था सामने वाले को प्रणाम करके, जी मैं संजय केजरीवाल। घर के अंदर बैठा के मिठाइयाँ खिलाई जाती थी और ये कहा जाता था कि दोनों हाथ सर पे रख के तुम्हारे जैसा बेटा हर वार्ड में हो तो हम लोगों का भी भाग्य तर जाए। तो आज इस बात को कहने का तात्पर्य ये है कि वार्ड 20 की खुशबू 285,000 मतदाता के बीच है। मेरी मतलब कोई औकात ही नहीं है, मैं कल भी शून्य था, आज भी शून्य हूँ। जिस दिन अपने आप को एक मान लूँगा उस दिन मुझे तकलीफ होगी। जिस दिन संजय केजरीवाल चुनाव लड़ेगा तब सोचेगा कि हार होगी कि जीत होगी। जहाँ उसके 6750 मतदाता मालिक चुनाव लड़ रहे हों वहाँ मेरी हार कहाँ है और मेरी जीत कहाँ है। जीत उनकी होगी, हार अगर हुई तो मेरे खुद की होगी, मेरे अपने चरित्र की होगी, मेरे अपने किसी नीति निर्धारण मैं ना कह के मैं ये कहूँगा मेरे किसी क्रियाकलाप की होगी। लेकिन जहाँ वार्ड 20 की जनता लड़ रही हो, पूरे शहर के लोग आके, आज आप नॉमिनेशन में रहते तो देखते, शहर के कोने कोने से लोगों ने आके आशीर्वाद दिया और एक ही दर्द को उन्होंने साझा किया कि काश आज डिप्टी मेयर का नामांकन होता। तो खैर, वार्ड 20 का सेवा करता रहूँगा जब तक। और मैं ये भी बता दूं कि मैं अगर उप महापौर का भी निर्णय लिया था तो वार्ड 20 की सम्मानित जनता से आशीर्वाद इजाज़त लेके, ऐसे नहीं। वार्ड 20 का भी नामांकन करने के पहले मैंने वार्ड 20 के सम्मानित जनता से आशीर्वाद लेके, उनसे सहमति लेके तभी नामांकन किया है। तो संजय केजरीवाल न 2017 में चुनाव लड़ा था न 2022 में लड़ रहा है, लड़ रही है 6750 सम्मानित जनता, माताएं, बहनें, अभिभावक और मेरे प्रिय साथी। तो जहां तक सवाल है कि जब वो लड़ रहे हैं तो फिर लड़ाई कहीं होगी क्या? तो वार्ड नंबर 20 के निवर्तमान पार्षद संजय केजरीवाल ने नामांकन किया है, पूरी तरह से आत्मविश्वास दिख रहा है, आत्मविश्वास है, फिर से जीत की पूरी उम्मीद बता रहे हैं, जनता का साथ बता रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र की खूबसूरती चुनाव होता है और चुनाव में जनता फैसला करती है कि उनका उम्मीदवार और उन पर जो उनके प्रतिनिधि होंगे वो कौन होंगे, ये तो 22 अक्टूबर को पता चलेगा। नगर निगम चुनाव 2022 के महाकवरेज के लिए बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी अभिषेक रंजन के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहां आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।